wasn't made for everybody. What if you and I, don't you? वेज पराठा खाने के लिए बहुत दिन बाद दक्ष को गोला दिए है ना, बताया नहीं हो ना। हम लोग दक्ष को गुमराह करके जा रहे हैं वेज पराठा खाने के लिए, और ये सफलता हासिल हुई है देव की वजह से। हम नहीं चाह रहे थे ये वीडियो आगे दक्ष देखेगा, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अकेले जाऊं खाने के लिए दक्ष को छोड़ के, लेकिन ये प्लान में पूरे शामिल देव थे, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। यहाँ से देख रहे हैं कीचड़ उचड़ हो गया है, गड्ढे हैं यहाँ पे, इधर देखिए आगे और बरसा है, भरा है, आगे भरा होता है। ये देखिए गाइस, ये भजन कर रहे हैं इनको, इसको जरूर डालूंगा मैं। ये गाइस देखिए, कहते हैं मंदिर है और अच्छा सजा हुआ है। ये यहाँ पे भरा हुआ, कहाँ पे भरा हुआ है, ये स्कॉर्पियो फॉर्चूनर से कम नहीं। ये देखिए गाइस, ये लाइट लग गई, अभी जल्दी लाइट लगी, देखिए कितना गड्ढा है यहाँ पे। नगर निगम वाले कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे नगर, और से वो देखिए जल भराओ, ऐसे ही मच्छर आते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो यहाँ के नगर निगम है, वो मेरे दोस्त के चाचा है, कहते हैं ऋषिकेश, माननीय ऋषिकेश उपाध्याय, श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, और मेरा दोस्त है हर्ष भाई है, शॉर्ट आउट नहीं दे रहे हैं, वो बुरा ना मान जाए उसकी तरफ वीडियो पहुंच जाए तो। वेज पराठा कहाँ मिलता है? अच्छा वो अभी तो वहाँ पेट्रोल पंप आ गया है। ये यहाँ पहले गाइस डीएन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन बाद में इस साड़ी सेंटर हो गया, क्योंकि भारत का भविष्य ऐसे भी खराब था ना, इसलिए वहाँ पे साड़ी सेंटर खुल गया। ये देखिए पेट्रोल पंप, बहुत पुराना पेट्रोल पंप है यहाँ पे। पराठा कहते हैं देता था, जो कि बहुत घटिया क्वालिटी का बनाता था उसे, नहीं बे बकवास, मतलब कि गंदगी वैसे ही रहती है ना, तो थोड़ा वैसा हाइजीन प्रॉब्लम वहाँ पे। अब वो चलने ये थोड़ा अच्छा हो गया ना भाई, थोड़ा ऊंचा हो गया, वरना यहाँ पे भी जल भरा हुआ था। चटगी भी अपने बच्चों भी दिक्कत होगी क्या, क्या कई बार स्टार्ट नहीं होती मुझसे, मैं चौक लो ना, अबे चौक खराब है, बंद करके स्टार्ट करो, किक मारनी पड़ेगी, हटवा दे, अरे यही मुंह से निकालिए, मार दिए चल जाएगी। कहाँ है किक वाला, ये अच्छा ये बाहर निकालना पड़ता है, अरे वो है वो ये अबे हटो नहीं यार। है स्कूटी चलाने का कह रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है यार, सही में सबसे स्टार्ट हो जाती है। अबे एक को दिन मान लो अकेले चले गए स्कूटी लेके कहीं, मैं गया था उस दिन, अरे स्टार्ट नहीं हुई क्या करोगे, इस दिन वो पार्टी वार्टी में गया था, हाँ सबसे किक मरवा रहा था। मैं यार आ रहे हैं समुद्र के बीच से, सात समुन्दर पार। कैसा गाना था वो, सात समुन्दर पार मैं तेरे पीछे पीछे, तो वो हम वेज पराठा को वो देते हैं। ये देखेगा अयोध्या है, ये अयोध्या में ये दुर्दशा हो रही है, आप ये वीडियो फैलाइए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, ये वीडियो पहुंचाइए और बोलिए क्या हो रहा है अयोध्या में। वेज पराठा नहीं मिला सर, दक्ष का कहते हैं बद्दुआ लग गई वहां से, उसको पता नहीं है लेकिन अब बद्दुआ लगा दिया है, हम लोग सोडा पी के चले आएंगे वापस। स्कूटी कहाँ लगाऊं, होने में लगा दो यार, यहाँ ज्यादा कोई आता नहीं है। गाइस देखिए कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से, उधर हम लोग का घर है। ब्लॉगर से बदतमीजी सू कर देंगे सू, अभी तुम्हारे पर डिस्ट्रैक्ट निकालूंगा। हम लोग का खाना पीना हो गया है, खान पान हो गया है, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये वीडियो आ रहा है तो हमारा एक ऑफिशियली म्यूजिक वीडियो आ चुका है डिस्ट्रैक्ट, तो सूरज के ऊपर है, तो उसको आप जरूर देखें और लाइक कमेंट शेयर करें, अपने बहुत लोगों तक पहुँचाएं, इतना दूर तक पहुंचा दीजिए कि कहते हैं कि कैरी मिनाटी हम लोग का रोस्ट करें। और आज ही हम लोग उस पर काम किए थे, चार घंटा क्या, चार नहीं पाँच घंटा मान के चलिए, पाँच घंटे उस पर काम हुआ है डिस्ट्रैक्ट पे, बहुत मेहनत से लिरिक्स लिखी गई है, गाया गया है। लिरिक्स लिखने वाले ये दो लोग थे एस पी समाजवादी पार्टी, बहुमत समाजवादी पार्टी, और
हाँ अभी तो उठा लिए जाओगे। तो एसपी थे, ये कहते हैं सर्वज्ञ पार्थ और सक्षम पार्थ, इन्होंने लिरिक्स लिखी है और बहुत बढ़िया डिश ट्रैक है, आप ज़रूर सुनिए। और रिलीज़ हो चुका है अभी तक, क्या पता 2-3 लाख व्यूज़ आ चुके हों, क्या पता मास रिपोर्टिंग के कारण डिलीट भी हो। हाँ क्या पता मास, आप तुरंत जाके देखिए, क्या पता कभी भी मास रिपोर्टिंग के तहत उसको डिलीट कराया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर लोग डिस्ट्रैक निकाले हैं, वो बहुत बड़े कहते हैं जाने माने गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि अदनान थे ऐसे ही नहीं, अदनान से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ऊपर है, देने जा रहे हैं कपड़ा प्रेस करने के लिए, चेंज ऑफर चल रहा है हमें एक। ये तो पगला है समझाने से, ना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पीछे से बीट दे रहा है। डिस्ट्रैक्ट क्या आप चाहते हैं, कहते हैं गाइस हम लोग लाइव में आके वो डिस्ट्रैक्ट एक बार सुनाएं। लाइव आके एक वो अपने मुंह से आपको लग रहा होगा, चाहते हैं कि वो हम लोग किए हों, क्या कहते हैं ऑटो ट्यून म्यूजिक को इस्तेमाल किए होंगे अपने वॉइस फिल्टर फिल्टर, क्या नहीं वो सब नहीं ऑटो ट्यून नहीं, गाइस को क्या गाइस थोड़ी ना इतना दिमाग भाई, तो गाइस चेक कर सकते हैं, चेक उनका हक भी है, आपका हक है चेक करना, लेकिन हम लोग ने अपने मेहनत से बनाई है, लेकिन भाई एकदम रियल वॉइस लगी है रियल, और वो डिस्ट्रैक बहुत हार्ड है गाइस, बहुत हार्ड है। तो गाइस यही था, हम लोग घर पे आ गए हैं, और छोटे मोटे ब्लॉग देखने के लिए हमें फॉलो करें, जाएंगे बाय गाइस। The next day. ये तार सबका बीच छोड़ दे, वो वाले छाव में। तो कैसा लगा भाई तुम्हें? यार आधे घंटे बाद मेरे जो मतलब फैन थे, मास रिपोर्टिंग भाई ट्वीट कर रहे हैं हम लोग, देखिए इंस्टाग्राम के फैंस जो मेरे थे वो तो मैं कितना भारी पड़ गई।